नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 9। आपने कभी कोई एक मुस्त मोटी रकम इन्हें दी है? वो हिचकिचाया। उसने व्यग्र भाव से अलेक्जेंडर की तरफ देखा। अलेक्जेंडर ने अपना पाइप सुलगा लिया था और उसके कश लगाता हुआ अपलक भटनागर को देख रहा था। जवाब दीजिए, यादव जिद भरे स्वर में बोला। हाँ, भटनागर अलेक्जेंडर की तरफ से निगाह फिराकर बोला। दी है। कितनी बड़ी रकम? 20,000 रुपये। किस लिए? भटनागर फिर खामोश हो गया। एकाएक वो बहुत व्याकुल दिखाई देने लगा था। उसी क्षण वहां एक हवलदार के साथ एक युवक ने कदम रखा। उसकी जेब के ऊपर एक तिकोना बिल्ला लटका हुआ था, जो कि उसके टैक्सी ड्राइवर होने की चुगली कर रहा था। दोनों यादव के समीप पहुंचे। हवलदार ने यादव के कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा। यादव ने सहमति में सिर हिलाया और फिर युवक को आंख के इशारे से आदेश दिया। युवक बारी बारी वहां मौजूद हर आदमी की सूरत देखने लगा। उसकी निगाह वकील बलराज सोनी पर अटक गई। ये वो साहब है। फिर वो उसकी उंगली उठाता हुआ बोला, जिन्हें मैं कल रात 8 बजे के करीब नारायण विहार के 70 नंबर बंगले पर छोड़कर आया था। यादव कुछ क्षण टैक्सी वाले से कुछ सवाल पूछता रहा, फिर उसने उसे रुखसत कर दिया और वो बलराज सोनी की तरफ आकर्षित हुआ। वो उसे ड्रॉइंग रूम के कोने में ले गया और ऐसे दबे स्वर में उससे मुखातिब हुआ कि उनके करीब जाए बिना वार्तालाप सुन पाना मुमकिन न था। कमला मेरे करीब पहुंची। जरा इधर आओ, वो बोली। इधर? उस रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे विशाल का ड्राइंग रूम का दूसरा कोना था। क्या बात है? मैं बोला। सुधीर, वो व्याकुल भाव से बोली, मेरी मदद करो। क्या मदद करूं? ये इंस्पेक्टर जानता है कि चौधरी के कत्ल के वक्त मैं यहां कोठी में नहीं थी। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मदद क्या चाहती हो तुम? मैं ये साबित करके दिखाऊं कि ये बात गलत है कि कल रात तुम पूरा 1.5 घंटा यहां से गायब रही थी। मैं स्याह को सफेद करके दिखाऊं। तुम भी समझते हो चौधरी का खून मैंने किया है? मेरी समझ से कुछ नहीं होता। सवाल इस बात का है कि पुलिस क्या समझती है। तुम्हारी हर हरकत शक पैदा करने वाली है, और तुम्हारी कोई हरकत पुलिस से छुपी नहीं। यादव तुम्हें किसी भी क्षण गिरफ्तार कर सकता है। वो खामोश रही। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, शुरू से ही तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी खातिर अपने आप को खतरे तक में डाला। अगर तुम फंस गई तो तुम्हारे मददगार के तौर पर मेरा भी फंस जाना लाजमी है। फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने क्या धोखा किया तुम्हारे साथ? तुमने कल रात मुझे विस्की में बेहोशी की दवा मिलाकर नहीं पिलाई? हरगिज नहीं। तुम्हारे बेडरूम में मैं होश में था? नहीं, लेकिन होश तुमने नशे की वजह से खोया था। पागल हुई हो? मैंने आज तक बोतल पी के होश नहीं खोया। सुधीर, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा नहीं पिलाई। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तो फिर रात के 2 बजे तुम कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? मुझे किसी का फोन आया था। ऐसा फोन आया था जिसे सुनकर मेरा यहां से जाना जरूरी हो गया था। ऐसा क्या जरूरी फोन था? ऐसा ही जरूरी फोन था। किसका? बलराज सोनी का। उसने तुम्हें रात के 2 बजे फोन किया था? हाँ। और उस फोन कॉल के जवाब में तुम्हें आनन फानन यहां से जाना पड़ा था? हाँ। ऐसी क्या आफत आ गई थी? आफत ही आ गई थी। क्या? वो आत्महत्या करने पर आमादा था। तभी यादव और बलराज सोनी हमारे करीब पहुंचे। हमारे वार्तालाप का आखिरी हिस्सा शायद उन्होंने भी सुना। यादव के चेहरे पर उलझन के भाव थे। मिसेज ओब्राय, वो सख्ती से बोला, मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। बराए मेहरबानी मुझे उसका सीधा और सच्चा जवाब मिल जाए। कल रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप कहाँ थी? मैं, वो बोली, सोनी साहब के साथ इनके फ्लैट में थी। इतनी रात गए आप वहां क्या करने गई थी? ये मेरा जाती मामला है। तब तक बाकी लोग भी उठकर हमारे करीब आ गए थे। आप सोनी साहब से मोहब्बत करती हैं? बलराज सोनी ने यूं कमला की तरफ देखा जैसे उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो यादव से ज्यादा व्यग्र हो। नहीं, कमला कठिन स्वर में बोली। लेकिन सोनी साहब आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। हाँ, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
कल रात 2 बजे भी इसी बाबत इन्होंने मुझे फोन किया था और मेरे इनकार की सूरत में फौरन आत्महत्या कर लेने की धमकी दी थी। आप इन्हें ऐसी किसी हरकत से रोकने के लिए इतनी रात वहां गई थी? हाँ। मुझे लगा यादव वो बात बलराज सोनी से पहले ही कुबुलवा चुका था। आप सुंदरनगर में स्थित इनके फ्लैट पर 3 बजे के करीब पहुंची थी। यहां से सुंदरनगर का फासला तो कार द्वारा मुश्किल से 10 मिनट का है, फिर आपको वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि मैं दुविधा में पड़ गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं। 2-3 बार मैं रास्ते से वापस लौटी थी, लेकिन अंत में मेरी अंतरात्मा मुझे बुरी तरह कचोटने लगी थी और मैं वहां चली गई थी। मेरी वजह से किसी की जान जाए ये मुझे मंजूर नहीं हुआ था। कल शाम ये साहब जूही चावला के बंगले पर नारायण विहार भी पहुंचे थे। वहां ये साहब आपके साथ आपकी कार में वापसी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ये फरमाते हैं कि आपने थोड़ी दूर पहुंचने पर इन्हें रस्ते में ही उतार दिया था। ऐसा क्यों किया था आपने? क्योंकि ये कार में ही तमाशा खड़ा करने लगे थे, ऐसी हरकतें और बातें करने लगे थे जो इन्हें अपने दोस्त की बेवा से नहीं करनी चाहिए थी। इन्हें रास्ते में उतार कर आप कहां गई थी? सीधी यहां आई थी मैं। आप वापस जूही चावला के बंगले पर नहीं गई थी? नहीं। उस उत्तर के बाद बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से यादव ने कॉन्फ्रेंस वहीं समाप्त कर दी। वो औरत पतंगबाज थी तो वो पुलिसिया भी कम पतंगबाज नहीं था। ढील दे देकर खींच रहा था, खींच खींच कर ढील दे रहा था। लोग विदा लेने लगे। कमला ने मुझे रुकने का इशारा किया। जाने से पहले अलेक्जेंडर मेरे पास पहुंचा। मेरे ऑफिस में आने का है, वो बोला। तौबा, एक बार आया था, मैं हातिम ताई के अंदाज में बोला, दोबारा आने की कतई हवस नहीं है। तो तू जगह बोल। मेरे फ्लैट में। कब? कल सुबह। कितना मांगता है? 50। ठीक है, आएंगा। अकेले आना। उसने सहमति में सिर हिलाया और वहां से विदा हो गया। बाकी लोग भी विदा हो गए। कमला पीछे स्टडी में चली गई। वहां केवल मैं और यादव रह गए। लेजर बुक निकालो, यादव बोला। तुम कमला उबरे को गिरफ्तार कर रहे हो? वो एक जुदा मसला है, उसका लेजर बुक से कोई वास्ता नहीं है। मेरी राय में सारे कत्ल अलेक्जेंडर ने किए हैं या करवाए हैं। अपनी राय अपने पास रखो और लेजर बुक निकालो। अगर अलेक्जेंडर को गिरफ्तार करने का इरादा हो तो बराए मेहरबानी उसे कल दोपहर बाद गिरफ्तार करना। लेजर बुक। मैंने जेब से लेजर बुक की जीरोक्स कॉपियां निकालकर उसे सौंप दी। असल कहाँ है? असल कल मिलेगी। क्यों, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? अभी वो मेरे पास नहीं है, मैं कल खुद लेजर बुक तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। पक्की बात? हाँ। कोई घोटाला करने की कोशिश ना करना। नहीं करूंगा। बड़ी गारंटी कर रहे थे तुम। अब इसके स्वर में व्यंग्य का पुट आ गया कि सबकी हथेलियां देखने पर यह पता लग जाएगा कि कत्ल किसने किए हैं। जिसकी हथेलियों पर पंक्चर मार्क्स होंगे वही हत्यारा होगा। मैं खिसियानी सी हंसी हंसा। जानते हो, यादव बोला। क्या? यहां मौजूद तमाम लोगों में से सिर्फ एक ही शख्स की हथेली में पंक्चर मार्क्स थे। किसकी? मैं उत्तेजित स्वर में बोला। मेरी। उसने अपना दायां हाथ मेरे सामने फैला दिया। मुझे जवाब न सूझा। कमला मुझे स्टडी में मिली। वो बार के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और उसका चेहरा फिक्रमंद और पीला लग रहा था। मेरे से बिना पूछे ही उसने मेरे लिए ड्रिंक तैयार कर दिया। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने खामोशी से ग्लास मुझे थमा दिया। मैंने एक घूंट पिया और ग्लास काउंटर पर रख दिया। वो मेरे करीब आई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे बकरी जिभे करने के लिए ले जाई जा रही हो। मैं कुछ ऐसा प्रभावित हुआ कि अपने आप ही मेरी बाहें खुल गई। वो मेरे आगोश में आ गई और हौले हौले सुबकने लगी। अपने होठों से उसके खूबसूरत कपोलों पर से आंसू की बूंदें चुनता हुआ मैं उसे दिलासा देता रहा। अंत में वो खामोश हुई और मुझसे अलग हुई। तुम कुछ दिन यहीं ठहर जाओ, वो बोली। सॉरी स्वीट हार्ट, मैंने फिर अपना ग्लास उठा लिया। ये मुमकिन नहीं। या सिर्फ आज रात? क्यों, क्या फिर मुझे बेहोश करके कहीं जाने का इरादा है? सुधीर, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा नहीं पिलाई थी। छोड़ो, कोई और मतलब की बात करो। मतलब की बात क्या? 20,000 की डाउन पेमेंट के बाद मुझे कुछ और रकम भी मिलने वाली थी। मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो रकम मैं अभी चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो मैं गिरफ्तार हो जाने वाली हूं और गिरफ्तार होकर फांसी चढ़ जाने वाली हूं। मैं खामोश रहा। मेरे मन में ऐसा ही कुछ था। तुम शायद भूल रहे हो कि मुझे इस झमेले से निकालने के बाद ही तुम उस रकम के हकदार बन सकते हो। तुम पर जो बीतनी है वो आने वाले 2-3 दिनों में सामने आ जाएगी। तुम मुझे एक हफ्ते बाद की तारीख डाल के चेक दे दो।
बड़े बेमुरब्बत आदमी हो सिर्फ पैसे के मामले में। अच्छी बात है, देती हूँ चेक। उसने मुझे 1,80,000 रुपये का चेक काट दिया। चेक हाथ में आने पर मैंने महसूस किया कि उस रकम का मालिक बनने के लिए अब मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं या तो कमला को बेगुनाह साबित करके दिखाऊं और या किसी अत्यंत विश्वसनीय तरीके से उसका अपराध किसी और के सिर पर थोप कर दिखाऊं। और इस काम के लिए एक कैंडिडेट था मेरी निगाह में, जॉन पी अलेक्जेंडर। अगली सुबह जॉन पी अलेक्जेंडर मेरे फ्लैट पर पहुंच गया। वेलकम, मैं बोला। उसने खामोशी से मेरे फ्लैट में कदम रखा। तुम जरा बैठो, मैं बोला। मैं अभी आया। किधर जाने का है, वो बोला। ज्यादा दूर नहीं, जरा नीचे तक, ये तस्दीक करने के लिए कि तुम अकेले आए हो। अबे छोकरे, किसी का विश्वास करना सीख। सीखूंगा, सीखने के लिए अभी सारी उम्र पड़ी है। मैंने नीचे का चक्कर लगाया। नीचे ड्राइवर तक नहीं था, वो अपनी इम्पाला खुद चलाकर आया था। मैं वापिस लौटा। एक बात बताओ, मैं बोला। क्या? अलेक्जेंडर बेसब्रेपन से बोला। तुम्हारी लेजर ओबराय के हाथ कैसे पड़ गई? अपुन का एक बहुत भरोसे का आदमी अपुन को धोखा दिएला था। वो लेजर की बाबत खबर रखेला था। उसने लेजर चोरी करके ओबराय को बेच दी। वो आदमी अब कहाँ है? वहीं, जहाँ ऐसे धोखेबाज आदमी होने चाहिए। कहाँ? जहन्नुम में। ओबराय के कत्ल की खबर तुम्हें इतनी जल्दी कैसे लग गई कि तुमने आनंद फानन चौधरी को उसकी स्टडी की तलाशी लेने भेज दिया? वजह वो नहीं जो तू सोचे लाया है। अपुन का ओबराय की कत्ल से कोई वास्ता नहीं। तो फिर? पुलिस में अपुन का एक सोर्स है, उसी ने फोन पर बताया था। लेकिन गोली, अपुन इधर तेरी इंक्वायरी के लिए नहीं आयला है, लेजर के लिए आयला है। लेजर निकाल, पहले माल निकालो। उसने 100-100 के नोटों की 5 गड्डी मेरे सामने फेंकी। मैंने जेब से लेजर बुक निकालकर उसकी तरफ उछाल दी और नोटों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके बाद वही हुआ जिसके होने की मुझे उम्मीद थी। अलेक्जेंडर के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई। खबरदार, वो बोला। मैं ठिठक गया। छोकरे, तूने वाकई सोच लिया था कि तू अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल कर सकता था? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं धैर्यपूर्ण स्वर में बोला। मैं माल की कीमत हासिल कर रहा हूं। जो माल तेरा नहीं तो उसकी कीमत कैसे हासिल करेला है? उसने नोट उठा लिए। तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो? ऐसा समझना चाहता है तो ऐसा समझ ले। मैंने तो समझ लिया, अब तुम भी समझ लो। क्या? कि डबल क्रॉस करने वाले को भी डबल क्रॉस किया जा सकता है। मतलब? इस लेजर बुक के हर वर्के की फोटोकॉपी सब इंस्पेक्टर यादव के पास पहुंच चुकी है। उसके नेत्र फैल गए, फिर उनमें शोले धधकने लगे। उसने कहर भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। हरामजादे, वो दांत पीसता हुआ बोला। हरामजादे। गोली चलाने की जगह उसने रिवॉल्वर को मेरी कनपट्टी पर दे मारने की कोशिश की। मैंने झुकाई देकर वार बचाया और अपने दाएं हाथ का प्रचंड घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया। मेरे दूसरे हाथ का घूंसा उसके पेट में पड़ा। वो पीछे को लड़खड़ाया। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने उस पर कई वार कर दिए। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई और वो मेरे सोफे पर जाकर ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। मैंने फर्श पर से उसकी रिवॉल्वर उठाई। मैंने उसमें से गोलियां निकाल ली और रिवॉल्वर उसके सामने मेज पर रख दी। फिर मैंने उसकी जेब से लेजर और 50,000 के नोट निकाले। नोटों में से पहले मेरा इरादा सिर्फ अपने 22,000 रुपये वापस हासिल करने का था, लेकिन फिर मैंने वे सभी नोट अपने अधिकार में कर लिए। मैं उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। कोई और 2 मिनट बाद वो होश में आया। अपने आप को सोफे पर गिरा पड़ा पाकर वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ, फिर सामने पड़ी रिवॉल्वर पर झपटा। खाली है, मैं उसे गोलियां दिखाता हुआ बोला। रिवॉल्वर उसने फिर भी उठाकर पतलून की बेल्ट में खोंस ली। फिर उसने अपनी जेबें टटोलनी आरंभ की। 50,000 रुपये मैंने तुम्हारी जेब से निकाल लिए हैं, इनमें से 22,000 रुपये तो मेरे ही हैं। बाकी के 28,000 रुपये मेरी रकम का ब्याज और उस मार का खामियाजा समझकर मैंने अपने पास रख लिए हैं जो कि मैंने तुम्हारे आदमियों से खाई है। हरामजादे, वो सांप की तरह फुफकारा। वो तो मैं हूं ही, इसमें नई बात क्या बता रहे हो तुम मुझे? वो उठकर खड़ा हुआ। अब जाते जाते ये तो कबूल कर जाओ कि तीनों कत्ल तुमने किए हैं। अपन कोई कत्ल नहीं करेला है, इस बार वो अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोला। तो करवाए होंगे? नहीं, अब उनका किसी कत्ल से कोई वास्ता नहीं। जो मर्जी कहो, तुमसे सच कबूलवाना मेरा काम नहीं। यही सच है, उसके स्वर में संजीदगी का पुट था। मुझे अब कमला उबराई की और ज्यादा फिक्र होने लगी, फिर वही मुझे हत्यारी लगने लगी। अब फोटो यहां से, लेजर किधर है? वो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसलिए लेजर लेजर भजना छोड़ दो अब सिकंदर दादा। लेजर की कॉपी तो पुलिस को दिया ला है,
हाँ क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे डबल क्रॉस करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें डबल क्रॉस किया। तेरी खैर नहीं, अब तो अपनी खैर मना ले सिकंदर महान। वो फिर ना बोला, नफरत से दतकती उसकी आंखें, वैसे ही बहुत कुछ कह रही थी। 11 बजे मेरी यादव से मुलाकात हुई, मैंने उसे लेजर बुक सौंप दी। अब अलेक्जेंडर को गिरफ्तार समझो, मैं बोला। वो किस लिए? यादव बोला। वो किस लिए? मैं हैरानी से बोला। भाई ये लेजर बुक उसके खिलाफ सबूत है। किस बात का? कत्ल का। और किस बात का? ओबरा इस लेजर बुक के बिना पर अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं कर रहा था। कौन कहता है? अलेक्जेंडर कहता है। और तुम्हें उसकी बात का विश्वास है? हाँ, इसलिए विश्वास है क्योंकि ये बात निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि तीनों में से कोई भी कत्ल उसने नहीं किया है। कैसे साबित हो चुकी है? तफ्तीश से साबित हो चुकी है। और कैसे साबित हो चुकी है? मैं इस बात की पक्की तस्दीक कर चुका हूँ कि तीनों ही हत्याओं के वक्त अलेक्जेंडर घटनास्थल से बहुत दूर कहीं था, यानी कि ये लेजर बुक किसी कत्ल का उद्देश्य नहीं थी। तुम्हारी जानकारी के लिए, ब्लैकमेल का खतरा अलेक्जेंडर को नहीं, ओबराय को था, इसलिए उसने किसी प्रकार अलेक्जेंडर की ये लेजर बुक चुरा ली थी ताकि इसकी धमकी से वो अलेक्जेंडर को उसे ब्लैकमेल करने से रोक सकता। ओबराय को किस बिना पर ब्लैकमेल किया जा सकता था? चरस और अफीम की स्मगलिंग के बिना पर। वो अपनी कारों में ये चीजें छुपाकर बंबई पहुंचाया करता था। ओबराय जो इतना रईस बना हुआ था, वो सेकेंड हैंड कार बेचकर नहीं बना हुआ था, स्मगलिंग से वो रईस बना था। और ये बात अलेक्जेंडर को मालूम हो गई थी। वो अपनी जुबान बंद रखने की कीमत चाहता था। ओबराय को ऐसी मुसलसल ब्लैकमेल में फंसना गवारा नहीं था। फिर किसी प्रकार उसे अलेक्जेंडर की डायरी की खबर लग गई और वो उसे हासिल करने में कामयाब हो गया। उस डायरी की वजह से ही वो अलेक्जेंडर की ब्लैकमेलिंग का शिकार होने से बचा। ये स्मगलिंग वाली बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? अलेक्जेंडर ने बताई। बात की सच्चाई को परख लिया तुमने? ना सिर्फ परख लिया बल्कि परख कर उस पर अमल भी कर लिया। मतलब? मतलब ये कि अफीम और चरस की स्मगलिंग के रैकेट में शरीक ओबराय के 4 साथी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और अफीम और चरस का एक तगड़ा स्टॉक ओबराय मोटर्स की ऑफिस से बरामद भी हो चुका है। कमाल है? यादव बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अलेक्जेंडर ने यह बात तुम्हें क्यों बताई? मैंने पूछा। पुलिस को सहयोग की भावना से बताई। और क्यों बताई? नॉनसेंस। किसी भी वजह से बताई, बहरहाल बताई। उसे गिरफ्तार तो तुम्हें फिर भी करना चाहिए। फिर भी क्यों? इस लेजर बुक में निहित जानकारी के बिना पर, काला धन छुपाने का, इनकम टैक्स इन्वेजन का केस तो उस पर फिर भी बनता है। वो कत्ल जितना बड़ा अपराध नहीं, लेकिन केस तो बनता है। गिरफ्तारी के काबिल नहीं। गिरफ्तारी हो भी तो ऐसे केस में 30 मिनट में जमानत हो जाती है, एंटिसिपेटरी बेल तक हासिल हो जाती है। अब मुझे अपनी फिक्र सताने लगी। मैंने अलेक्जेंडर जैसे दादा पर हाथ उठाया था। मैं उसकी फौरन गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहा था। अब उसका आजाद रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। यादव साहब, मैं चिंतित स्वर में बोला, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम अलेक्जेंडर को गिरफ्तार करने के ख्वाहिशमंद नहीं। मैं कत्ल की तफ्तीश करने वाला सब इंस्पेक्टर हूँ, वो लापरवाही से बोला। कत्ल की बिना पर मैं उसे गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन कत्ल उसने नहीं किए। अगर कोई और अपराध उसने किया है तो उसकी तफ्तीश पुलिस का दूसरा महकमा करेगा। लेकिन? और कत्ल का केस क्लोज हो चुका है। क्लोज हो चुका है? कैसे क्लोज हो चुका है? वैसे ही जैसे होता है, जब अपराधी गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस तफ्तीश के लिहाज से केस क्लोज मान लिया जाता है। अपराधी गिरफ्तार हो चुका है? हाँ। कब का? कौन है अपराधी? जैसे तुम जानते नहीं, पहेलियां मत बुझाओ। किसे गिरफ्तार किया है तुमने? मिसेस कमला ओबराय को। वो गिरफ्तार है? हाँ, आज सुबह सवेरे मैंने उसे उसकी कोठी पर से गिरफ्तार किया था। उस पर चार्ज लगाकर उसे कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है और उससे पूछताछ के लिए 6 दिन का रिमांड भी हासिल किया जा चुका है। बड़े फुर्तीले निकले यादव साहब। वो मुस्कुराया। तो आपकी तफ्तीश ये कहती है कि तीनों कत्ल कमला ने किए हैं? हाँ। इस बात का आपके पास क्या जवाब है कि वो चौधरी के कत्ल के वक्त वकील बलराज सोनी के फ्लैट पर थी? वो वहां 3 बजे पहुंची थी। चौधरी का कत्ल इस वक्त से पहले हो चुका था। अपनी कोठी से वो 2 बजे निकली थी। चौधरी का कत्ल करके 3 बजे तक बड़े आराम से बलराज सोनी के यहाँ पहुंच सकती थी। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे उस अनोखे हैंडल वाले चाकू से उसके हाथ में पंक्चर के निशान क्यों नहीं बने थे? तो इसका बड़ा सीधा सा सिंपल जवाब यह है कि वो दस्ताने पहने थी। ड्राइविंग के वक्त दस्ताने तो वो पहनती ही है। उन्हीं दस्तानों को पहने पहने उसने चाकू चलाया होगा। जूही चावला की कोठी से वो वकील बलराज सोनी के साथ रवाना हुई थी। मैंने नया एतराज किया,
अब तुम क्या ये कहना चाहते हो कि उसके कत्ल में वो दोनों शामिल थे? नहीं, वो बड़े इत्मीनान से बोला। तो कत्ल के लिए वो वापस लौटी थी, उसे जानबूझकर बलराज सोनी को रस्ते में अपनी कार में से उतार दिया था ताकि वो वापस आकर जूही चावला का कत्ल कर सके। वो यूं वापस लौटी होती तो जूही चावला के बंगले की निगरानी करते मेरे आदमी को वो दिखाई दी होती। शायद दिखाई दी हो। मतलब? पांडे तुम्हारा आदमी है, कमला ओबराय तुम्हारी क्लाइंट है, अगर तुम्हें पांडे की कोई बात कमला के खिलाफ जाती दिखाई देगी तो तुम क्या करोगे? ओह, तो तुम समझ रहे हो कि पांडे को मैंने पट्टी पढ़ाई है कि वो कमला से ताल्लुक रखती है, ऐसी किसी बात को छुपा कर रखे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो बड़ी मासूमियत से बोला। कमला ने अपना अपराध कबूल कर लिया है? अभी नहीं किया है, लेकिन करेगी, जरूर करेगी। क्यों नहीं करेगी? किए बिना कैसे बात बनेगी? इसलिए तो हमने 6 दिन का रिमांड हासिल किया है। यानी कि तुम उस पर 3rd degree इस्तेमाल करके जबरन उससे उसका अपराध कबूल करवाओगे? वो जो करेगी अपनी मर्जी से करेगी, वो बेगुनाह है, हर अपराधी यही कहता है। और तुम्हारा अलेक्जेंडर की तरफ से एकदम उदासीन हो जाना मुझे एक बहुत खतरनाक बात सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या? वो आंखें निकाल कर बोला। मुझे जवाब देने का अवसर ना मिला, तभी एक हवलदार यादव के समीप आ पहुंचा और उसने झुककर यादव के कान में कुछ कहा। यादव फौरन उठकर खड़ा हो गया। साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ, वो हवलदार से बोला। साहब को बाहर का रास्ता मालूम है, मैं उठता हुआ बोला। मैं हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकला। पार्किंग की इमारत में मुझे अलेक्जेंडर की इम्पाला खड़ी दिखाई दी। मैं सोचने लगा अलेक्जेंडर वहां क्या करने आया था। मैंने अपने ताबूत की एक कील सुलगाई और खंबे की ओट लेकर खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद अलेक्जेंडर हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुझे बड़े संतोष और इत्मीनान के भाव दिखाई दिए। वो कार में आकर बैठा तो मैं खंबे की ओट से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। हेलो, मैं बोला। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए, फिर वो मुस्कुराया। कहीं जाने का है, वो बोला, तो इधर गाड़ी में आ जा, ड्रॉप कर देगा। कहाँ ड्रॉप कर दोगे? यमुना में। वो हंसा। सौदा हो गया यादव से, मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। लेजर बुक खरीद ली? हाँ खरीद ली, वो बड़े इत्मीनान से बोला। और उसकी वो जेरोक्स कॉपियां भी जो तू कल यादव को दिएला था, देख। उसने जेब से निकालकर मुझे लाल जिल्द वाली लेजर बुक और जेरोक्स कॉपियां दिखाई। मेरा खून खौल गया, मेरा जी चाहने लगा कि मैं अभी भीतर हेडक्वार्टर में वापस जाऊं और जाकर यादव का गला घोंट दूं। कितना रोकड़ा दिया? मैंने पूछा। जितना तेरे को देने का था उससे 50,000 रुपया कम। यानी कि यादव को भी रिवॉल्वर दिखाकर डायरी उसे जबरन झटक कर लाए हो? नहीं, अपन उसे डायरी का जो सौदा किएला है वो रोकड़े से ज्यादा कीमती है। अपन की वजह से यादव स्मगलरों के उस गैंग का पर्दाफाश किएला है जिसका सरगना ओबराय था। यादव 4 आदमी गिरफ्तार किएला है और कई किलो अफीम और चरस बरामद किएला है। ये उसका ज्यादा बड़ा इनाम है, ये डायरी की ज्यादा बड़ी कीमत है। ये एक इतना बड़ा केस पकड़ने से उसकी प्रमोशन पक्की हो गई है, वो इसी महीने इंस्पेक्टर बन जाने का है। क्या? मैं चुप रहा। और छोकरे? एकाएक उसका स्वर बेहद हिंसक हो उठा। खुशकिस्मत समझ अपने आप को कि अलेक्जेंडर पर हाथ उठाने के बाद भी, उसका माल पीटने के बाद भी तू जिंदा बचेला है। क्यों जिंदा बचाऊं? क्योंकि मौजूदा हालात में यादव नहीं चाहता कि तेरे को कुछ हो जाए। 4 दिन में 4 कत्ल हो जाने पर केस की तफ्तीश उससे सीनियर किसी अफसर के हाथ में जा सकती है, तब अपन पर तमाम कत्ल का शुबा फिर से हो सकने का है, जो कि इस वक्त अपन को मंजूर नहीं। इसलिए घर जा और सेलिब्रेट कर कि तेरी जान बच गई, ना बचने के काबिल तेरी जान बच गई, खामखा बच गई। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की, अविश्वसनीय रफ्तार से उसे बैक किया और फिर वो वहां से ये जा वो जा। मैं वापस हेडक्वार्टर की इमारत में दाखिल हुआ। यादव अपने कमरे में नहीं था, वो इमारत में भी नहीं था। मैंने उसके माथतों से और कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया था। मैं जनपद पहुंचा, शैली भटनागर अपने ऑफिस में नहीं था। मालूम हुआ वो किसी जरूरी काम से निजामुद्दीन में कहीं गया था और शाम से पहले लौटने वाला नहीं था। शाम तक वहां इंतजार करने की मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैं वापस यादव के द्वार पर लौटा, वो तब भी वहां नहीं था। अगर मैंने इंतजार ही करना था तो वहां इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। यादव के कमरे के बाहर पड़े एक बेंच पर मैं जमकर बैठ गया। यादव शाम को 4 बजे लौटा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे देखते ही वो बोला। तुम्हारा इंतजार, मैं बोला। क्यों, दोबारा यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? दोबारा क्या मतलब, मैं सुबह का आया, यहां से गया ही कहां हूं। तुम सुबह से यहीं पर बैठे हो? हाँ, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए नीचे पार्किंग में गया था,
जहां की मेरी अलेक्जेंडर से बात हुई थी और जहां उसने मुझे लेजर बुक दिखाई थी। बड़ी क्विक सर्विस है तुम्हारी। लेजर बुक मेरे हाथ से निकली नहीं कि अलेक्जेंडर के हाथ पहुंच भी गई। क्या चाहते हो, यही बताऊं? हाँ, बेहतर। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि उस लेजर बुक के हर वर्के की एक एक फोटोकॉपी अभी भी मेरे पास है। वो सक पकाया। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने उसके घूरने की परवाह ना की। मैं आगे बढ़ूं? मैं बोला, यह बाकी बात भीतर तुम्हारे कमरे में चलकर करें। आओ, वो कठिन स्वर में बोला। थैंक यू। मैं उसके साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने खुद मेरे पीछे दरवाजा बंद किया। हम दोनों बैठ गए तो वो बोला, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, मैंने तोते की तरह रट दिया, कि उस लेजर बुक के हर वर्के की एक एक फोटोकॉपी अभी भी मेरे पास है। वो तो हुआ, और क्या कहना चाहते हो? और ये कहना चाहता हूं कि वे फोटोकॉपीज और कुछ साबित करे या ना करे, लेजर बुक के अस्तित्व को जरूर साबित कर देगी, क्योंकि ओरिजिनल के बिना तो कॉपी बनती नहीं। फिर कोई तुम्हारा बड़ा साहब, वो नहीं तो कोई अखबार वाला, शायद मेरी इस बात पर विश्वास कर ले कि असल लेजर बुक मैंने तुम्हें सौंपी थी, जो कि तुमने आगे, मैंने स्वर जानबूझकर धीमा कर दिया, अलेक्जेंडर को बेच दी। मैंने, वो भी दबे स्वर में बोला, उससे कोई रकम हासिल नहीं की। मुझे मालूम है, मेहरबानी कैश या काइंड दोनों तरीकों से होती है। उस डायरी के बदले में उसने तुम्हें एक ऐसा केस पकड़वाया है जो कि तुम्हारी प्रमोशन करवा सकता है, तुम्हें प्रशस्ति पत्र दिलवा सकता है। और तुम मेरी प्रमोशन में और मेरे प्रशस्ति पत्र में हिस्सेदारी चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई हिस्सेदारी मुमकिन नहीं। तो जैसी मेहरबानी तुम्हें हासिल हुई है, वैसी मेहरबानी मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूं। क्या? मैं चाहता हूं कि कमला ओबराय को बेगुनाह साबित करने में तुम मेरी मदद करो। मेरा काम गुनहगार का गुनाह साबित करना है, ना कि वो, मैंने बीच में बात काटी, गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है, जो कि तुम जादू के जोर से साबित कर सकते हो। नहीं, जादू के जोर से तो मैं नहीं कर सकता, जादू तो मुझे आता नहीं। देखो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझ पर दबाव डालकर मुझे उसे रिहा करने पर मजबूर कर सकते हो, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। वो हिरासत में नहीं है, बल्कि बाकायदा चार्ज के साथ गिरफ्तार है। मैं उसे रिहा करूंगा तो ये होगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी और वो फिर गिरफ्तार हो जाएगी। मैं उसे रिहा करने के लिए नहीं कह रहा। तो और क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि उसे बेगुनाह साबित करने में तुम मेरी मदद करो। वो मैं सुन चुका हूं, लेकिन कैसे मदद करूं? शुरुआत मेरी कमला से एक मुलाकात करवा कर करो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो गिरफ्तार है। तो क्या हुआ, जहां वो गिरफ्तार है वो जगह चांद पर तो नहीं? लेकिन मेरी उससे एक मुलाकात करवाओ यादव साहब। धमकी दे रहे हो? वो आंखें निकाल कर बोला। हाँ। वो मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन कितनी देर मुझे घूरता रहा। मैंने उसके घूरने की परवाह ना की। लेजर बुक की दूसरी कॉपी निकालो, कुछ क्षण बाद वो बोला। मिल जाएगी, मैं लापरवाही से बोला। जल्दी क्या है? अगर तुम मुझसे कोई मेहरबानी चाहते हो तो मेरी कमला से मुलाकात का इंतजाम करो। वो कॉपी मैं पूरी हिफाजत के साथ तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। चेहरे पर उलझन और संदेह के भाव लिए वो फिर मुझे घूरने लगा। मैंने उसके घूरने की परवाह नहीं की। अंत में उसने एक कागज कलम अपनी तरफ घसीटा और कागज पर तेजी से कुछ लिखा। वो निजामुद्दीन के थाने में है, वो कागज दोहरा करता हुआ बोला। तो ये रुका, वो कागज मेरी तरफ उछालता हुआ बोला, वहां दिखा देना, मुलाकात हो जाएगी। शुक्रिया। मैं फौरन वहां से विदा हो गया। निजामुद्दीन थाने में मेरे यादव की चिट्ठी पेश करते ही मुझे एक हवलदार के हवाले कर दिया गया। एक लंबे कॉरिडोर में चलता हुआ वो मुझे एक बंद दरवाजे के करीब लाया, जिसके सामने एक लेडी हवलदार खड़ी थी। लो, वो लेडी हवलदार से बोला, एक और आ गया। उसी से मिलने? स्त्री बोली। हाँ, देखना अभी तो और आएंगे। कांता लगेगा यहाँ इसके हिमायतियों का। किसी रईस की बीवी को गिरफ्तार करना क्या कोई हंसी खेल है? हवलदार मुझे वहां छोड़कर विदा हो गया। स्त्री ने दरवाजा खोला और मुझे भीतर दाखिल होने का इशारा किया। मैंने कमरे में कदम रखा। स्त्री ने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा रहा। भीतर कमला के सामने वकील बलराज सोनी बैठा था। कमला एक सादी साड़ी पहने थी। उस वक्त उसके जिस्म पर कोई जेवर नहीं था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन वो फिर भी खूबसूरत लग रही थी। देख लिया? कमला व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। क्या? मैं तनिक हड़बड़ाकर बोला। कि मैं कहाँ हूं? मैं खामोश रहा। अच्छे मददगार निकले तुम मेरे, अच्छे डिटेक्टिव हो तुम। डिटेक्टिव तो मैं अच्छा ही हूं, इसलिए तो जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हारे जानने से क्या होता है,
साबित करके दिखाते तो मुझे हवालात का मुंह देखना पड़ता। कमला, बलराज सोनी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये आदमी किसी काम का नहीं। ओह, मैंने बोला, तो ये बात तुम पहले भी कह चुके हो। उसने एक तिरस्कारपूर्ण निगाह मेरी तरफ डाली और फिर परे देखने लगा। आओ बैठो, कमला बोली। मैं उनके करीब पड़े एक स्टूल पर बैठ गया। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं बलराज सोनी से संबोधित हुआ। तुम कौन होते हो मुझे यहां से भेजने वाले, वो भड़क कर बोला। मैं कहां भेज रहा हूं आपको, मैंने सोचा था कि शायद आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो और आप जा रहे हो। सोनी साहब कहीं नहीं जा रहे, जवाब कमला ने दिया। ये मेरे वकील हैं, अदालत में भी इन्होंने ही मेरी पैरवी करनी है और कहना ना होगा कि तुम्हारे मुकाबले में अब मुझे इनसे कहीं ज्यादा उम्मीदें हैं। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे वकील के बच्चे से बहुत झुंझलाहट हो रही थी। साला हर जगह मुझे पहले से ही मौजूद मिलता था। कुछ किया है तुमने, कमला ने पूछा। किया तो बहुत कुछ है लेकिन हुआ कुछ नहीं है, मैं बोला, और अगर कुछ हुआ है तो तुम्हारे हक में गलत हुआ है। मसलन? मसलन अलेक्जेंडर से पुलिस पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी है कि वो बेगुनाह है। मसलन पुलिस को मालूम हुआ है कि तुम्हारा पति अफीम और चरस का स्मगलर भी था और इस धंधे में उसके चार जोड़ीदार भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अलेक्जेंडर की तुम्हारे पति की स्टडी से बरामद हुई लेजर बुक जो मैंने इस उम्मीद से पुलिस को सौंपी थी कि अब अलेक्जेंडर तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा, वापिस अलेक्जेंडर के पास पहुंच गई है। वो कैसे? उस पुलिस की मेहरबानी से जो इस केस की तफ्तीश कर रहा है। तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए, तुम्हें उस रिश्वतखोर पुलिसिया को एक्सपोज करना चाहिए। कैसे करूं? अब तो मैं उस लेजर बुक के अस्तित्व को भी साबित नहीं कर सकता। अच्छे डिटेक्टिव हो तुम, कमला, बलराज सोनी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अपना थोबड़ा बंद रखो, मैं भड़क कर बोला। मुझे मालूम है तुमने पहले क्या कहा था। यानी कि, कमला बोली, अब तुम्हारे पास काम करने के लिए कोई एंगल नहीं। तो दोस्तों, ये था खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 9। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।